हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का DOE की तरफ से जो आपको प्रैक्टिस पेपर मिला हुआ है ना, तो दो पेपर आपको मिले। एक पेपर चैनल पे अपलोड है, तो पेपर भी स्टार्ट हो चुका है। उसका तो सेक्शन बी और सेक्शन सी अपलोड हो चुका है, तो सेक्शन ए भी हो गया है। उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे तो वो मैं आपको करा रही हूँ आज। क्वेश्चन नंबर 11 से करना है, 1 to 10 तक के चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके, द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, पी क्यू इज द कॉर्ड एंड पी टी इज द टेंजेंट एट पी। इफ पी ओ क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन एंगल टी पी क्यू। क्वेश्चन देखो, आपको पहली बात इसमें निकालना क्या है, ये छोटा सा एंगल निकालना है टी पी। दे कौन सा रखा है एंगल, ये वाला दे रखा है 70 डिग्री, ठीक है। ये आपको कॉर्ड दे रखी है पी क्यू, और टी पी आपको, पी टी आपको टेंजेंट दे रखी है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया ना, एंगल्स का नाम दे दिया नंबर की फॉर्म में, ताकि मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। मैंने इसको एंगल 1 नाम दे दिया, नाम दिया, और इसको 3 नाम दिया। अब मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में एंगल 1 पता है कितना है, 70 डिग्री है। और मुझे ये भी पता है कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो मेरा ओ क्यू है ना, वो किसके इक्वल है, ओ पी के इक्वल है। जब साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर इन ट्राइंगल पी ओ क्यू की। इसमें 3 एंगल्स हैं मेरे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो इन तीनों का सम 180 होगा। एंगल 1 मुझे 70 पता है, ये दोनों एंगल्स मेरे पास इक्वल है, तो दोनों को मैंने क्या किया, एंगल 3 लिख दिया। अब यहाँ आ गया 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 110। यहाँ से मैंने अपना एंगल 3 निकाल लिया, वो आ गया 55। एंगल 2 भी मेरा 55 ही आएगा। पर मुझे निकालना क्या है, ये जो एंगल 4 है ये निकालना है। अब देखो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है वो तो 90 डिग्री होगा। क्यों? थ्योरम 10.1 ये कहती है जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल 3 मैंने 55 निकाला है, प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90। तो यहाँ से एंगल 4 निकल गया, 90 माइनस का 55 डिग्री, तो आ गया 35 डिग्री। का मतलब एंगल टी पी क्यू जो है बस, वो कितना आ गया, 35 डिग्री। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कह रहे हैं, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर 2/5 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ कॉफिशेंट सी। सी की वैल्यू बतानी है, पर पहले उसके लिए आपको पॉलिनोमियल भी तो पता होना चाहिए। तो पॉलिनोमियल बनता कैसे है, स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस 2/5 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4 दे रखा है। ठीक है, अब खाली ये तो पॉलिनोमियल हो नहीं सकती, बेस को सेम करना पड़ेगा। यहाँ जाएगा 20x² माइनस 8x प्लस 5, तो 1/20 बाहर ले लिया मैंने, तो 20x² माइनस 8x प्लस का 5, ये आपका पॉलिनोमियल आ गया। इसमें ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, और ये सी की है ना, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5 आ गई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ए, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, दो ट्राइंगल है दोनों सिमिलर है, 4AB इज इक्वल टू डी ई एंड बी सी इज इक्वल टू 2.5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एफ। देखो, जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियोज मैं ले सकती हूँ, AB अपॉन में DE और BC अपॉन में EF, ये ना ले सकते हैं ना। अब देखो, AB ऐसे ही रहने दें, यहाँ DE की जगह मैंने 4AB लिख दिया, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। BC मुझे क्वेश्चन में कितना गिवन है, 2.5। EF मुझे फाइंड, AB से AB कट गया, 1/4 इज इक्वल टू 0.5/EF, यहाँ से EF निकल जाएगा, 4 इंटू में क्या करोगे आप, 2.5, कि EF को 1 से इंटू करेंगे तो वही आएगा। मेरा आंसर कितना आ गया यहाँ पर, 2.5 को 4 से इंटू करना है, 25 × 400, तो 10 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ बी इफ
अल्फा एंड वन अपॉन अल्फा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोम। तेरा बी की वैल्यू बताओ, अगर यहाँ पर अल्फा और वन अपॉन अल्फा जो है वो क्या है, जीरोज है इस पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? तो देखो यहाँ पर अगर मैं सम ऑफ जीरोज की बात करूं, देखो अगर हम सम ऑफ जीरोज की अपनी यहाँ पर बात करते हैं ना, वो मेरे पास होता है माइनस बी अपॉन ए। और इस क्वेश्चन में आपको b की वैल्यू नहीं बतानी, थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ, b अपॉन a की ही वैल्यू बतानी, ठीक है? तो यहाँ जाएगा अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा, यही वैल्यू है माइनस b अपॉन a की। इसको थोड़ा सा अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन में अल्फा आ जाएगा आपके, तो ये आ गई आपकी माइनस b अपॉन a की। क्लियर? तो क्वेश्चन में करेक्शन है, आप ठीक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में क्या कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर इफ एंगल AOB इज 125 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 125 डिग्री आपके पास, आपसे क्या कह रहा है COD निकालो, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है COD, ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, तो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपके पास सर्कल है ना, और हमारे पास एक थ्योरम होती है कि जो अपोजिट साइड्स होती है ना क्वाड्रिलेटरल की, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सब्सटेंस सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर, तो वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाती है, मतलब क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड होनी चाहिए, साथ के साथ सर्कल अंदर होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल के, तो सेंटर पे जो एंगल्स बनते हैं अपोजिट साइड से वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब 180 होते हैं। मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा एंगल AOB है प्लस जो एंगल COD है वो मेरे पास 180 डिग्री होगा, तो ये मुझे 125 पता है, COD मुझे निकालना ही है क्वेश्चन में, तो यहाँ से मेरे पास एंगल COD निकल के आ जाएगा 180 माइनस का 125 आ जाएगा 55 डिग्री। क्लियर है? तो इसका आंसर आ गया 55। तो आज के 5 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे के 5 क्वेश्चंस करा दूंगी, देन ये वाला सेक्शन हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन और सी ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं, फिर भी कहीं दिक्कत लगती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए।